रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठना ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। आप प्लीज़, ये तो हमने सिर्फ छोटी सी दो शहर चुने थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना। सोचिए, मतलब ग्रनाडा है, वालेंसिया है, सेविजिया है, ये जगह। बज रहे हैं शाम के 4:30। तो ये है हमारा हॉस्टल, ये है हमारा हॉस्टल सामने, जो हमने 30 यूरो में बुक किया है आज। कोई मतलब इसके अंदर कुछ इंक्लूड नहीं है, सिर्फ ऑल टैक्सेस इंक्लूड। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और हम आ पहुंच चुके हैं सेगोविया, सेगोविया राइट, सेगोविया। और हम जिस जगह खड़े हैं वो एक्चुअल में हम हमारे हॉस्टल के सामने हैं, और ठीक हमारे हॉस्टल के बाजू में जो सेगोविया का जो मेन जो मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है एक्वाडुक्टो, हम उसके जस्ट सामने खड़े हैं। ये है हमारा हॉस्टल, ये देखिए। रास्ता बेहद सुंदर था, हमें मतलब एक एक पल, एक 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 घंटे की जर्नी हमने ऐसी जी है, मतलब कि चुटकी में निकल गई सामान। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना स्टेटस अपडेट करूं या वीडियो लूं या मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मगर हम आ पहुँचेंगे सेगोविया, और हमने सोचा कि हमारे पास थोड़ा टाइम की बहुत शॉर्टेज है, तो क्यों ना पहले शहर को घूमा जाए। खाना बाद में खा लेंगे यार, दिन में नहीं खा पाए तो क्या हुआ, रात अभी बाकी है। अभी हम चलते हैं शहर को देखते हैं, और देखते हैं यहाँ पे क्या नज़ारा मिलता है देखने को हमें। और समय हो गया इस वक्त 4:30। और बहुत अच्छी बात हमारे लिए ये है कि मौसम खुल चुका है। मौसम जो भी बना हुआ था बारिश की वजह से, हल्की जो बुछारें पड़ रही थी, इसके हम सोच रहे थोड़ा लेट निकलते हैं, निकले कब निकले, मगर भगवान की जैसे ही बाहर निकले वैसे ही मौसम भी खुल गया। देखिए सूर्य भगवान सामने, दर्शन हमने उनके, वाओ, सी अमेजिंग। तो बताइए क्या है नाम इस जगह का? एक्वाडुक्टो। सिंगल आर्च एक्वाडक्ट, और जो ये सामने है इसमें देखिए नीचे एक आर्च है, ऊपर एक आर्च है, तो यहाँ पर है दो आर्चेस, यहाँ पर है एक आर्च। एक्चुअली दीज प्लेसेस, ये छोटे छोटे शहर इतने सुंदर है कि कम से यहाँ पर अगर आप 2 या 3 दिन में रुके, अगर आप काफ़ी सारा टाइम है तो भी कम पड़ेगा, मतलब इतना कुछ है यहाँ जानने के लिए, कल्चर, कुजीन, कूट के यहाँ पर हिस्ट्री। स्पेन की मैंने 2 शहर देखे छोटे छोटे, अबव माई एक्सपेक्टेशंस। वाओ, सो गाइस वेलकम अगेन, हम हैं बिल्कुल 3D सेंटर ऑफ सेगोविया, और ये जो अभी जगह देख रहे हैं इसका नाम है एक्वाडुक्टो दे सेगोविया। इंग्लिश में से बोलते हैं एक्वाडिक्ट। एक्वाडिक्ट बेसिकली क्या होता है, कई लोगों को मालूम है कई लोगों को नहीं मालूम है। एक्वाडुक्ट एक्चुअली होता है
टू कन्वे वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब पानी को एक जगह से दूसरे जगह कैसे लेके जाएं, वो इसलिए इस स्ट्रक्चर को बनाया था। इस स्ट्रक्चर को बनाया था रोमन्स ने, तो कोलोजियम से मिलता जुलता इसका कोई स्ट्रक्चर है, बट इसका इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, ये बनाया था फॉर ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम रिवर जो कि है 15 किलोमीटर फ्रॉम हियर, वहाँ से पानी को स्टोर करते थे टैंक्स में, और टैंक से फिर जाता था दूसरे कासा दे अगुआ, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ वाटर, वहाँ पे दोबारा स्टोर करते थे और फिर वहाँ से इस पानी को यहाँ पर सेंड करते थे बाई थ्रू दिस अगुआदुक्तो। तो इसके ज़रिए ये यहाँ की जो जनता थी, यहाँ के जो लोग थे सिटी सेंटर में, वो पानी पिया करते थे। और आजकल यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, लोग यहाँ पर आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, और सेगोविया आए अगर आप तो इस जगह ज़रूर आइए। तो यूरोप में मौसम का मिजाज इस तरीके से बदलता है कि 5 मिनट पहले थी यहाँ पे धूप और अब बढ़ गई है पहाड़ों पे बर्फ। दिखाता हूँ आपको अगर मेरा कैमरा वहाँ तक कैप्चर जूम कर सके। देखिए वो जो हिस्सा है ऊपर वाला पूरा थोड़ा बहुत दिख रहा था ब्लैक ब्लैक, अब वो पूरा हो गया वाइट। तो जैसे जैसे शाम ढल रही है तापमान और नीचे गिर रहा है और बढ़ रही है सर्दी। हमारे इन भाई को तो सर्दी ज़्यादा लगती नहीं है, अब भी नहीं लग रही है सर्दी भाई, सिर्फ तो जैकेट में घूम रहे हैं और हम पूरा फुल पैक ऊपर से नीचे तक। पूरे 2 घंटे एक्सप्लोर करने के बाद हमें बेस्ट प्लेस मिली है फॉर शूट। देखिए क्या सुंदर नज़ारा है, क्या बेहतरीन पिक्चर्स आपके सामने ला रहे हैं हम। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। So how was the coffee? No, we were just looking up. Amazing. No, that's okay, man. You're good. Now, let's go. Let's go. Explore the city. थोड़ा घुसते हैं गलियों के अंदर, थोड़ा घुसते हैं दुकानों के अंदर, क्या है क्या नहीं है, क्या अच्छा है, क्योंकि जो रियल सस्ता है, किसी भी देश का किसी भी शहर का रियल कल्चर रियल फ्लेवर है उनकी गलियों में ही है, उनकी लोकल मार्केट्स में ही है। और अगर आप किसी नए देश में जा रहे हो या किसी भी शहर में जा रहे हो और आप उनकी गलियों से वाकिफ नहीं हो, इसके मतलब आप उनके कल्चर से वाकिफ नहीं हो। बिल्कुल। तो देखिए पीछे है हमारे एक ब्रांड कीको, मतलब अगर किसी को कॉस्मेटिक्स लेने हैं, किसी को फैशन कॉस्मेटिक्स लेने हैं, तो ये यहाँ पर एक अच्छा ब्रांड है स्पेन के अंदर। मैंने लिए थे 2 साल पहले यहाँ से सामान, तो अभी चल रहा है 70% डिस्काउंट। नॉर्मली जनवरी के अंदर यहाँ पर चलता है डिस्काउंट, तो मेजर जो शॉप्स हैं वहाँ पर अच्छे प्राइसेस आपको अच्छे डील्स मिल जाएगी। एक और चीज़ हमने डिस्कवर करी, हमें कम से कम हो गया आधा घंटा चलते 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 हम पहुँचे बिल्कुल एंड पॉइंट पे, और सामने था ये। अभी रात को आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लाइट की कमी है, बट बिलीव मी इट्स अमेजिंग। बज रहे हैं शाम के 7:30 और अभी हम हैं प्लाजा मायोर में, सेगोविया में प्लाजा मायोर में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन ट्रिपर। आज है फ्राइडे मॉर्निंग, तारीख है 1 फरवरी, बज रहे हैं सुबह के 9:15, हम हैं अभी सेगोविया में और आज अभी 1.5 घंटे बाद निकलेंगे दोबारा से मैड्रिड। तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, सुबह हो रही है शायद 4 डिग्री, बट इट फील्स लाइक इट्स -1।
तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, और बाहर वहाँ पर आप देखेंगे लेकिन नज़ारा शानदार, थोड़ी धूप खिली है लेकिन बादल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, धुआं निकल रहा है, कहीं खाना पका होगा, कहीं पर पानी गर्म हो रहा होगा और ऊपर बादल मूव कर रहे हैं। आप जब तक इन्जॉय कीजिए ये वाला हाइपरलैप्स। बेहतरीन रही और अब कर रहे हैं हमारी गाड़ी को बाय बाय, वी हैव डन इट। ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि हम कुछ होटल जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पर फॉर सुपर नाइट। तो स्टार्ट होते हैं ऑल इंक्लूसिव के मजे।